अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दो ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं जिनमें ऐसे तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट है। अगर आप joinpakarmy.gov.pk जो कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन का ये प्रोग्राम नजर आएगा, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MBBS या BDS का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया हुआ है और अगर तो आगे फर्दर उन्होंने स्पेशलाइजेशन वगैरह भी की हुई है तो ऐसे केस में ये कैप्टन या मेजर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का, जिसमें कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर जिन्हें ICTOs कहते हैं इसके तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस एविएशन एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम्स एक साथ अनाउंस किए गए हैं और आज की वीडियो में इनकी मुकम्मल तफसील आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी को डॉक्टर मेजर या कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करने का जो प्रोग्राम है तो इसकी तफसील देखते हैं। और अगर हम इसकी नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ कैटेगरी में मेंशन है कि कैप्टन GDMO में MBBS की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन के तौर पर GDDO के लिए अप्लाई किया जा सकता है और इसमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BDS किया हुआ है और वो मेल कैंडिडेट्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने BDS किया हुआ है प्लस FCPS और अगर वो मेल कैंडिडेट्स हैं तो ये स्पेशलिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे केस में इन्हें मेजर का रैंक दिया जाएगा। MBBS के बाद अगर FCPS किया हो तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें मेजर का रैंक मिलेगा। और इसके अलावा MBBS और डबल FCPS किया हो तो ऐसे केस में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और मेजर सब स्पेशलिस्ट के तौर पर इनकी ज्वाइनिंग होगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनर रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर से 20 जनवरी 2024 तक होगी। तहम आर्मी की वेबसाइट पर अगर हम देखें तो 25 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है बल्कि ये स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2024 से। और यहाँ हम पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जनवरी से स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 तक है। इस केस में जो GDMO के लिए अप्लाई होगा तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, जबकि स्पेशलिस्ट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होगी। मैरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर मेल और फीमेल है और ये रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के एतबार से मुख्तलिफ है। मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल्स के केस में मिनिमम हाइट 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर हो और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। कैंडिडेट्स 1 जनवरी से 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट 22 जनवरी से 26 जनवरी तक कंडक्ट होंगे, जिसमें संडे और सैटरडे इंक्लूड नहीं होगा। नेशनलिटी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तहम ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डुअल नेशनलिटी हो और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद इन्हें पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तफसीलात देखते हैं तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स यानी GDMOs के लिए कैप्टन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स के पास MBBS की डिग्री मौजूद होनी चाहिए और वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो और इस केस में 1 मई 2024 के मुताबिक कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए, तहम ये 35 साल तक रिलेक्सेबल है। इसके बाद क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट एज मेजर में एनेस्थीजियोलॉजी के लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी मेल, ENT मेल, गायनेकोलॉजी के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स, जनरल मेडिसिन, ऑप्थोमोलॉजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, सर्जरी और रेडियोलॉजी के लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में एक तो कैंडिडेट्स ने MBBS का प्रोग्राम तो किया ही हो लेकिन साथ ही साथ हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी मौजूद होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के केस में FCPS या कोई भी इक्वलेंट फॉरन क्वालिफिकेशन जो कि PMDC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट के केस में मैक्सिमम एज लिमिट 1 मई 2024 के मुताबिक 32 साल है और ये 35 साल तक के लिए रिलेक्सेबल हो सकती है। इसके बाद सब स्पेशलिस्ट मेडिसिन एंड अलाइड डबल FCPS एज मेजर के लिए कार्डियोलॉजी, निफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑनकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है और इन तमाम में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एक तो MBBS किया होना चाहिए प्लस हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो कि पाकिस्तान के केस में FCPS और इक्वलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान से FCPS या इक्वलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन इन कार्डियो और गैस्ट्रो रिक्वायर्ड है और 1 मई 2024 के मुताबिक मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है जो कि रिलेक्सेबल है 40 ईयर्स तक। इसके बाद सब स्पेशलिस्ट सर्जिकल एंड अलाइड में सिंगल FCPS रिक्वायर्ड है, आप मेजर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। इसमें न्यूरो सर्जरी और ऑर्थो सर्जरी के लिए मेल कैंडिडेट्स से एप्लीकेशन रिक्वायर की जा रही है और MBBS के साथ साथ हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल जो कि 40 साल तक के लिए रिलेक्सेबल होगी। इसके बाद क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट एज मेजर जिसमें पीरियोडोंटिक्स क्वालिफाइड मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, BDS मुकम्मल होना चाहिए, इसके अलावा FCPS फ्रॉम पाकिस्तान या इक्वलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल और ये 40 साल तक के लिए रिलेक्सेबल होगी। और जनरल ड्यूटी डेंटल ऑफिसर यानी GDDOs एज कैप्टन मेल और इसमें BDS की डिग्री रिक्वायर्ड होगी, प्लस ये कि कैंडिडेट्स ने एक साल की हाउस जॉब भी मुकम्मल की हो, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल जो कि 35 साल तक के लिए रिलेक्सेबल है। तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर तो कैंडिडेट्स ने सिर्फ MBBS और BDS किया हुआ है तो आप पाकिस्तान आर्मी को एज कैप्टन ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ स्पेशलाइजेशन भी की हुई है तो आपकी ज्वाइनिंग एज मेजर डॉक्टर होगी। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री मुकम्मल की होगी तो इन्हें तरजीह दी जाएगी, तो हम प्राइवेट वाले भी अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अपीयरिंग कैंडिडेट्स यानी जिनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं
या इस साल उन्होंने देने हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी है, वैसे केस में ये होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जीटीडीओस, यानी जीटीडीओस के लिए कैंडिडेट का बीडीएस का प्रोग्राम हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। बाकी प्रोग्राम में अपियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट, और ऐसे कैंडिडेट्स को मार्च 2024 के तीसरे हफ्ते तक का टाइम दिया जाएगा कि ये अपना फाइनल स्कोर कार्ड सबमिट करवाएं। और तमाम ही कैटेगरीज के केस में जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात की गई थी, तो ये सिर्फ उसी सूरत में कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगी अगर 28 साल से कम उम्र वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इनफ स्ट्रेंथ अवेलेबल ना हुई, यानी अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल ना हुए तो ऐसे केस में ऐसे कैंडिडेट्स को जिनकी उम्र 28 साल से ज्यादा भी होगी तो उन्हें रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के लिए ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट्स दो तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इंटरनेट के थ्रू यानी इसी वेबसाइट के होम पेज पर या इस पेज के बॉटम पर ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज कैंडिडेट जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स हों तो वो किसी करीबी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, और ये टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होंगे। एकेडमिक टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, ताहम कैंडिडेट्स अगर अपने एमबीबीएस या बीडीएस या स्पेशलाइजेशन के बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें अपने प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम के मुकम्मल कोर्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना होगा, और इसी में से ही कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स ये एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनका आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे तो इनका जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा में इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद करीबी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल यानी सीएमएच में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पीएमए काकुल में होगी, और यहां तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात फराहम की गई हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में आप ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे, और इवन ऐसे कैंडिडेट्स भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें अपने इनिशियल टेस्ट के रोज ये तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। जो कैंडिडेट्स तमाम स्टेप्स को क्वालिफाई कर लेते हैं और फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के साथ इनका एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये पाकिस्तान आर्मी को कम अज कम 5 साल तक के लिए लाजमी सर्व करेंगे, और 5 साल से पहले आप आर्मी को क्विट नहीं कर सकते हैं, और 5 साल की ड्यूरेशन मुकम्मल होने के बाद आपकी चॉइस है कि आप अपनी आर्मी की सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स एमबीबीएस और बीडीएस की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो उन्हें कैप्टन का रैंक मिलेगा, और स्पेशलाइजेशन की बेसिस पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को मेजर का रैंक मिलेगा। ताहम दौरान सर्विस आपकी फर्दर जो एजुकेशन है और प्रमोशन वगैरह भी जारी रहती है। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जो मतलूबा रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसके लिए आप ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करें। इससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट से सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिमांड की जा रही है। इसके बाद आपने एड्रेस डिटेल और अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, प्लस स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेशनलिटी डिटेल्स और पासपोर्ट डिटेल्स भी आपसे मांगी गई हैं। इसके बाद आपने कोचिंग एकेडमी की डिटेल देनी है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई हो आपने स्टेप बाय स्टेप सारा ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो दूसरा प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जिसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पहला है ICTOs और दूसरा है एविएशन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इनमें सबसे पहले ICTOs को देखते हैं, इसकी तफसीलात के लिए यहां क्लिक करना होगा। और ICTOs के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को अलाउ है कि वो अप्लाई कर सकें। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है, और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कंडक्ट किए जाएंगे, और नेशनलिटी अगेन वही कि पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डुअल नेशनलिटी केस में पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनलिटी सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को सरेंडर कर देनी होगी। ICTOs के लिए वो तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इनमें से कोई एक डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इनमें शामिल है BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और BE से मुराद ये है ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। इस वक्त BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS इन कंप्यूटर साइंसेज, BE सिस्टम्स इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BS ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी और BS ऑनर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ख्याल रहे कि यहाँ मेंशन किए गए प्रोग्राम्स में से ही कोई एक प्रोग्राम अगर आपने किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे मिलता जुलता या किसी दूसरे टाइटल के साथ आपने प्रोग्राम किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बैचलर के अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MS या MSc जो कि 18 ईयर्स एजुकेशन बनती है अप्लाई किया हो तो इन्हें तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP प्रोजेक्ट्स के अंदर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो और 1 से
दो साल का ही एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ईआरपी, जीआईएस प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग नेटवर्क्स और एक्सपर्टीज इन जावा, पाइथन, पीएचपी, एनईटी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपने एम्प्रेन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अलावा इनमें से कोई फर्दर एक्सपीरियंस या हायर एजुकेशन अचीव की हुई है तो ऐसे केस में आपकी सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा एकेडमिक प्री रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन कम अज कम मुकम्मल हुई होनी चाहिए और 2.5 कम अज कम सीजीपीए हो, और अगर एनुअल सिस्टम हो तो ऐसे केस में मिनिमम 62.5% होनी चाहिए। पूरे एकेडमिक कैरियर में कैंडिडेट का कोई थर्ड डिवीजन या ग्रेड डी नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी अलाउड है, और कैंडिडेट्स ने सिर्फ एचईसी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की हो, और एमएससी एमएस के जो प्रोग्राम करने वाले कैंडिडेट्स हैं और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली तरजीह दी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जो एक मरतबा पीएमए लॉन्ग कोर्स या इक्विवेलेंट कोर्स से और एक मरतबा पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से रिजेक्ट हो चुके हैं तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एक और चांस दिया जा रहा है, और अपियरिंग कैंडिडेट्स यानी जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और वो अपने फाइनल ईयर में है तो ये होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। तहम ऐसे कैंडिडेट्स को 15 अप्रैल 2024 तक अपनी फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सबमिट करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं तो इन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एचईसी और पीईसी की तरफ से वेरीफाइड डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी अटैच करनी होगी, और होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर भी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अपने फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट के 7 दिनों के अंदर अंदर एचईसी और पीईसी की तरफ से अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना होगा। और आईसीटीओ के लिए कैंडिडेट्स चाहे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसमें joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट पर अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा ये किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी मैनुअल रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, और तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट्स रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो वो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में फिजिकल टेस्ट देंगे, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू में भी अपीयर होना होगा। और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में कैंडिडेट्स की आईएसएसबी के लिए मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन की जाएगी, जिसमें उनके रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू बाय प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो इन सब में कलेक्टिव परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट को 9 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, 2 मिनट में 10 पुशअप्स, 2 मिनट में क्रंचेस की 10 रेपिटेशन और 2 मिनट में पुलअप्स की 2 रेपिटेशन करनी होगी, और कैंडिडेट्स को तमाम मराहल कामयाबी से तय करने होंगे, और किसी एक जगह पर भी अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है तो ऐसे केस में उसकी फर्दर सिलेक्शन नहीं की जाएगी। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। आईएसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड रावलपिंडी में इंटरव्यू लिया जाएगा, और जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किसी करीबी सीएमएच हॉस्पिटल में होगा, और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और इन कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये कम से कम 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी को लाजमी सर्व करेंगे। और इसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें एवियोनिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के शोभा जात में अप्लाई किया जा सकता है, तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। मेरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 है। प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कंडक्ट किए जाएंगे, और नेशनलिटी में यह है कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने एमए, एमएससी या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हो और कम से कम 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से कोई एक प्रोग्राम मुकम्मल किया हो। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, जो कि 1 मई 2024 के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का प्रोग्राम एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू किसी एचईसी और पीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया हो, कम से कम 62.5% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, जबकि सीजीपीए सिस्टम में कम से कम 2.5 सीजीपीए होना लाजमी है। पूरे एकेडमिक कैरियर में कैंडिडेट की कोई थर्ड डिवीजन या ग्रेड डी नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी अलाउ होगा, और कैंडिडेट ने मैट्रिक से लेकर एमए, एमएससी या बीएस के प्रोग्राम तक अपनी सारी एजुकेशन रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर कंप्लीट की हो, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 साल तक वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल हो तो इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अपीयरिंग कैंडिडेट्स यानी जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, तहम इनकी डिग्री 15 अप्रैल 2024 तक मुकम्मल हो जानी चाहिए और तब तक कैंडिडेट्स को अपनी फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी होगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, और एकेडमिक टेस्ट में यहां सब्जेक्ट्स वगैरह मेंशन नहीं किए गए हैं, विच मीन्स कि आपने जिस भी कैटेगरी में अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आपने उसको मुकम्मल तौर पर गो थ्रू करना है, और टेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, आपके डिग्री प्रोग्राम के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ये एकेडमिक टेस्ट ले लिया जाएगा। इस बार कैंडिडेट्स का प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद होगा
फिजिकल टेस्ट जिसमें 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 2 मिनटों में पुशअप की 10 रेपिटेशन, 2 मिनट में सिटअप्स की 10 रेपिटेशन और 2 मिनट में चिनअप्स की 2 रेपिटेशन करनी होंगी। इसके बाद कैंडिडेट्स आईएसएसबी में अपीयर होंगे और आईएसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी करीबी सीएमएच हॉस्पिटल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स का जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू होगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की पीएमए काकोल में 6 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इन कैंडिडेट्स के साथ भी बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये पाकिस्तान आर्मी को कम से कम 7 साल तक के लिए सर्व करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाले ये दोनों प्रोग्राम्स बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर आपने इन जॉइनिंग प्रोग्राम्स में जो डिसिप्लिन रिक्वायर किए गए हैं उनमें से अगर आपने अंडर ग्रेजुएट या इवन मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे केस में एक बड़ा जबरदस्त ब्राइट करियर ऑफर किया जाता है। लेकिन ख्याल है कि आपने उसी डिसिप्लिन में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो जो कि यहाँ पर रेलेवेंट प्रोग्राम में रिक्वायर की गई है। और अगर आप अपने मुतल्लिका प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए हर लिहाज से एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट के किसी भी पेज पर ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर सकते हैं।